नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो प्यास दिल की बुझा जाए। अंकल बात चाय लेना जरा। अच्छा भाई तू तो अयोध्या गया था ना। तू अयोध्या गया था भाई? नसीब लगता है ऐसे ही कोई अयोध्या नहीं पहुंचता। भाई 2 साल इंतजार किया था इस पल के लिए। भाई वेट मैं कुछ समझा नहीं। चल मैं तुझे शुरू से समझाता हूँ। ये कहानी तब से शुरू थी जब से अयोध्या में राम मंदिर बनना था। और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहाँ पर पहुँच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। भाइयों बहनों 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। प्रभु आ रहे हैं। श्री राम बस आने ही वाले। तो फिर क्या था इन अनमोल पलों को करीब से महसूस करने के लिए मैं भी अयोध्या की ओर चल पड़ा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अयोध्या जंक्शन पर आपका स्वागत है। जैसे ही मैं पहुंचा ना, हर तरफ जय श्री राम के नारे सुनाई दे रहे थे। ये सुनकर मन प्रसन्न हुआ। ऐसा लग रहा था मानो इस माहौल में आकर मैंने कुछ पा लिया हो। अंदर से एक सुकून सा मिल गया था। एंड फाइनली 18th को मैं अयोध्या पहुंच चुका था। भाई एक मिनट, प्राण प्रतिष्ठा तो 22 को थी ना, तो तू 18 को वहाँ पे क्या कर रहा था? भाई पूरी कहानी तो सुन ले। और जब मैं पहुंचा ना, पहले ही हजारों की तादाद में लोग अयोध्या पहुंच चुके थे। जाहिर सी बात है भाई, रामलला जो पधारने वाले थे। अयोध्या की उन गलियों से होते हुए मैं पहुंच चुका था राम दरबार। राम जी के दर्शन हुए पर कैमरा अंदर ले जाना मना था, तो मैं बाकी अयोध्या घूमने में लग गया। फिर राम दरबार से मैं पहुंचा कनक भवन। ऐसा माना जाता है कि यह भवन माता सीता को कैकेयी ने उपहार स्वरूप भेंट किया था। कनक भवन अयोध्या के सबसे बेहतरीन मंदिरों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि इतिहास में कई बार भवन का पुनर्निर्माण हुआ है। तो इस तरह से जो है हमने कनक भवन पूरी तरह से एक्सप्लोर किया और हम अभी इसके साथ आगे की स्टोरी के लिए चलिए। हेलो,
अरे भाई कहाँ पर है? भाई लुकड़ पे चाय पी रहा हूँ। अरे मैं भी यही हूँ। ओके आजा आजा। आया दो मिनट तो बस। अरे और भाइयों क्या गप्पे शप्पे चल रहे? अरे कुछ नहीं भाई, भाई अयोध्या की स्टोरी सुना रहा था। अयोध्या की स्टोरी? अरे फिर तो मैं भी सुनूंगा। अरे आजा आजा बैठ जा। भाई मैंने हनुमानगढ़ के बारे में भी सुना था, चल मैं तुझे दिखा के लाता हूँ। एक्सप्लोर किया, शूट करे, दर्शन किए भगवान जी के और रामलला के दर्शन कर अब हम चल पड़े हैं हनुमानगढ़ी की ओर। अरे भाई ऐसे नहीं यार, कुछ अपने स्टाइल में। अरे हाँ, कहा जाता है कि जब श्री राम अयोध्या लौटे थे तब से हनुमान जी इस जगह पर रहने लगे, इसी वजह से इसे हनुमानगढ़ी कहा जाता है। इसी के साथ यह मंदिर बैरागी महंतों के अधीन है। पर भाई उन दिनों अयोध्या में तो बहुत भीड़ होगी शायद। और जाहिर सी बात है सिक्योरिटी में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई होगी। हाँ भाई इंडियन आर्मी का तो स्वैग ही अलग है। इस अयोध्या के पावन भूमि पर एक सलाम हमारे जवानों के नाम। व्हिडिओ बघायला सबस्क्राइब करा, लाइक करा आणि जमलं तर कमेंट पण करून टाका। राम राम। धंदा आहे आपला, धंदा आहे आपला। खरं आहे, खरं आहे, खरं आहे।